हेलो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज लाट तो यहाँ पे कोई विलेज का नाम दिया हुआ है लाट जहां पे कितने ट्रीज है ए ट्रीज है चलो ये हम लिख लेते हैं कि ए ट्रीज है ठीक है उसके बाद हमें क्या कंडीशन दिया है इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी मतलब ये तो है ही ऑलरेडी उसके साथ में क्या हो रहा है बी नंबर ऑफ ट्रीज वहां पे इंक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे प्लस लिख लिया देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर मतलब एक्स ईयर के बाद वहां पे कितने ट्रीज होंगे वो हमें बताना है यहाँ पे हमें दिया तो नहीं है एग्जैक्ट नंबर कि कितने ईयर्स का है एक्स ईयर्स के बाद तो एक्स ईयर के बाद कितने बी नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ जाएंगे ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बी से ये एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं एक्स ईयर्स के बाद वो हमें पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन सो so, हमें जो सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन हम ऐसे स्टेप वाइज लिख लेते हैं हमें पता है कि नंबर ऑफ ट्रीज हमें कितने गिवन है क्वेश्चन में ए नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजिंग ईच ईयर मतलब हर साल कितने ट्रीज बढ़ रहे हैं बी नंबर ऑफ ट्रीज ईच ईयर बढ़ रहे हैं देर फॉर नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर मतलब एक्स ईयर के बाद कितने ट्री होंगे देखो ए तो वहां पे ऑलरेडी थे ठीक है और बी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं और x इस के बाद में बी नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन ए प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन देयर फॉर देयर विल बी ए प्लस बी एक्स ट्रीज इन द विलेज लैट आफ्टर एक्स इयर्स अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है फॉर द परेड देर आर वाइज स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रोस आर फोम देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक परेड हो रही है परेड होने के लिए एक रो में आपको पता है ना कि जो ऐसा होता है ना ऐसे खड़े होते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली उसे हम क्या कहते हैं रो कहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें कितना दिया हुआ है वाई और ऐसे टोटल कितने रोज है मतलब कितने रोज है वो हमें कितने दिया हुआ है एक्स मतलब एक्स नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल तो परेड में कितने स्टूडेंट्स है ये हमें बताना है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे देखेंगे कि अगर एक रो में सपोज थ्री स्टूडेंट है तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ वाई हो गया और सपोज ऐसे हमारे पास वन टू थ्री और फोर रोज है सो ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर रोज है एक रो में यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स है ऐसे फोर है ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा इधर फोर तो हम क्या करेंगे थ्री इंटू फोर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ट्वेल्व चेक कर ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है हमें क्या बोल रहा है कि वाई स्टूडेंट एक रो में मतलब वन रो में कितने स्टूडेंट्स हैं वाई स्टूडेंट्स हैं और ऐसे एक्स रोज है तो सिंपली अगर हम x इंटू वाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा और हमें पता है कि x इंटू वाई को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एक्स वाई सो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो ईच रो में कितने स्टूडेंट्स हैं y टोटल रोज हमें कितने दिए हुए हैं x

अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज एम एंड एन रिस्पेक्टिवली तो हमें यहाँ पे क्या करना है टू डिजिट नंबर बताना है जहाँ पे टेंस के प्लेस में होगा एम और यूनिट के प्लेस में होगा एन राइट द पोलिनोम विच रिप्रेजेंट द टू डिजिट नंबर तो हमें ऐसा पोलिनोम लिखना है जो टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करे देखो m यहाँ पे कहाँ पे है के प्लेस पे है और n यहाँ पे क्या है यूनिट के प्लेस में है देखो अगर यूजली हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये यूनिट का प्लेस होता है उसके बाद आता है टेन का प्लेस में टेन के प्लेस में आने के लिए हम क्या करते हैं टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इसका इक्वेशन हम बताएंगे टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं देखो यहाँ पे हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन एम प्लस एन ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिट इन यूनिट प्लेस देखो यूनिट के प्लेस में हमें क्या दिया हुआ है एन डिजिट इन टेंस प्लेस टेंस के प्लेस में हमें क्या दिया हुआ है एम देयर फॉर द टू डिजिट नंबर इक्वल्स टू क्या होगा देखो जो टेंस के प्लेस में होगा वो टेन से मल्टीप्लाई होता है और जो यूनिट के प्लेस में होता है वो वन से मल्टीप्लाई होता है मतलब डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल्स टू सो ये कितना हो जाएगा टेन और देखो टेंस के प्लेस में क्या है यहाँ पे एम है प्लस डिजिट इन यूनिट के प्लेस में जो है वो क्या है एन देयर फॉर द पोलिनोम रिप्रेजेंटिंग द टू डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा टेन एम प्लस एन और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है एड द गिवन पॉलिनोमियल्स तो यहाँ पे हमें क्या करना है पोलिनोमियल्स को एड करना है सो so, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो यहाँ पे हमें कॉमा दिख रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन का साइन यहाँ पे सबसे पहले लगा देते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया ये पोलिनोम को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा यहाँ पे हम प्लस साइन लगा रहे हैं बिकॉज हमें क्या करना है यहाँ पे एड करना है और ये वाले पार्ट को भी हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेर माइनस नाइन और ये प्लस और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो भी सब हम बाहर निकाल लेते हैं देखो यहां पे जब हम एडिशन कर रहे हैं प्लस का साइन है तो यहां ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो चेंज नहीं होंगे जैसा है एज इट इज रहेगा बट सब्ट्रेक्शन में साइन चेंज होता है तो वो मैं आपको बताऊंगी सब्ट्रैक्शन के टाइम में बट फिलहाल हम एडिशन कर रहे हैं तो ये सारे साइन को हमने एज इट इज लिख लिया इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है लाइक like टर्म्स को अरेंज करना है लाइक like टर्म्स को अरेंज करने का मतलब है कि उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है थ्री है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि x की पावर थ्री है तो ये हम साथ में लिखेंगे मतलब कभी भी जो एडिशन या सब्ट्रेक्शन होता है ना वो लाइक like टर्म्स के बीच में ही होता है तो ये हम लिख लेते हैं एक्स टू द पावर थ्री प्लस फाइव एक्स क्यूब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है माइनस टू एक्स पे x की पावर कितनी है टू है तो यहाँ देखो इधर कहीं भी हमें x की पावर टू नहीं दिख रही है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे प्लस ये है टू एक्स बट टू एक्स के साथ में हमें और कोई टू एक्स वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया अब यहाँ पे जो नंबर्स बचे हुए हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस नाइन और ये हो जाएगा प्लस नाइन अब यहाँ पे इसकी एडिशन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये वन होता है ठीक है अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी उसे हम वन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे है वन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स क्यूब देखो ये वन और ये फाइव ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे सिक्स एक्स क्यूब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और उसके साथ में कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे प्लस टू एक्स और यहाँ पे ये देखो ये प्लस और ये माइनस है मतलब माइनस नाइन प्लस नाइन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो नाइन में से नाइन को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा जीरो और जीरो को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसे हम क्या करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस सेवन एम टू द पावर फोर प्लस फाइव एम क्यूब प्लस रूट टू और यहाँ पे हम प्लस साइन लगाएंगे बिकॉज हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं और ये वाले पॉलिनोमियल को भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं फाइव एम टू दावर फोर माइनस थ्री एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वेर प्लस थ्री एम माइनस सिक्स इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं माइनस सेवन एम रेस टू द पावर फोर प्लस फाइव एम क्यूब प्लस रूट टू प्लस यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज हम एडिशन कर रहे हैं फाइव एम टू द पावर फोर माइनस थ्री एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वेर प्लस थ्री एम माइनस सिक्स इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे लाइक like टर्म्स को एक साथ लिखेंगे जैसे हमें दिख रहा है m टू द पावर फोर तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं m टू द पावर फोर है तो इसको और इसको हम साथ में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सेवन एम रेस्ट टू द पावर फोर प्लस फाइव एम रेस्ट टू द पावर फोर अब आते हैं ये थ्री वाले पार्ट में प्लस फाइव एम क्यूब देखो एम टू द पावर थ्री और यहाँ पे हमें m टू पावर थ्री दिख रहा है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एम टू द पावर थ्री उसके बाद यहाँ पे है रूट टू और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और क्या है देखो ये स्क्वायर वाला पार्ट है उसके बाद एक सिंगल m लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या रहे कर रहे हैं इसको अरेन्ज कर रहे हैं सो इसके बाद हम क्या लिख लेंगे प्लस टू एम प्लस थ्री एम बिकॉज यहाँ पे हमें स्क्वेयर और एम वाला पार्ट नहीं दिया है तो इसको हम क्या कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर रहे हैं और अगर हमें लाइक like टर्म्स मिल रहे हैं तो उनको हम साथ में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स और अभी क्या बाकी है यहाँ पे प्लस रूट टू नेक्स्ट स्टेप में इसको एडिशन कर लेते हैं देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो सेवन में से फाइव को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा टू साइन हम लगाएंगे यहाँ पे बिगर नंबर का एम रेस टू द पावर फोर यहाँ पे देखो फाइव है और यहाँ पे थ्री है बीच में माइनस है तो फाइव में से थ्री को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा टू एम क्यूब यहां पे इसका कोई पार्टनर नहीं है ये अलोन है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे प्लस टू एम स्क्वेर प्लस देखो एम का भी कोई पार्टनर नहीं है तो थ्री एम को भी हम एज इट इज लिख लेंगे ये दोनों को भी हम आपस में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज एक नंबर क्या है रूट में तो इसको हम लिख लेंगे एज इट इज और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थ्री में तो देखो यहाँ पे वन टू और थ्री थ्री पॉलिनोम दिए हुए हैं तो सबसे पहले तो इसे हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं टू वाई स्क्वायर प्लस सेवन बाय प्लस फाइव यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस साइन थ्री वाई प्लस नाइन प्लस थ्री वाई स्क्वेर माइनस फोर वा थ्री इक्वल्स टू ये हम लिख सकते हैं टू वाई स्क्वेयर प्लस सेवन वाई प्लस फाइव प्लस थ्री वाई प्लस नाइन प्लस थ्री वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई माइनस थ्री तो अभी सिंपली हमने क्या किया है सिर्फ ब्रैकेट्स को हटाया है और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे लाइट like टर्म्स को साथ में लिखेंगे देखो लाइट like टर्म्स में यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर है और हमें यहाँ पे y का स्क्वायर दिख रहा है तो ये दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई स्क्वेयर ये वाई स्क्वायर हो गया अब हम आते हैं ये y वाले टर्म में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है सेवन वाई यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्लस थ्री वाई और यहाँ पे क्या है ये माइनस फोर वाई अब हमारे पास सिर्फ ये नंबर्स बाकी है अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो जो यहाँ पे लिखते जा रहे हो उसको अंडरलाइन करते जाओ उसके बाद वो अंडरलाइन को रब कर देना जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन की कोई यहाँ पे छूटे ना देखो ये हो जाएगा प्लस फाइव उसके बाद यहाँ पे है प्लस नाइन और ये क्या है यहाँ पे माइनस थ्री इक्वल्स टू इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव वाई और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पे सेवन प्लस थ्री कितना हो जाएगा टेन वाई टेन वाई में से फोर को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा सिक्स वाई ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फाइव प्लस नाइन कितना हो जाएगा फोर्टीन फोर्टीन में से थ्री को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा इलेवन और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है सब द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट तो यहाँ पे हमें सेकेंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना तो जैसा कि हमने एडिशन वाले पार्ट में किया था वैसे ही सेम हम करेंगे इसे हम सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन बिकॉज हम यहाँ पे सब कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को भी लिख लेते हैं नाइनटीन एक्स प्लस रूट थ्री प्लस सेवन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वाइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री देखो यहाँ पे ये माइनस साइन है जब एडिशन होता है ना मतलब प्लस साइन होता है तो ये वाले पार्ट को हम एज इट इज लिखते हैं बट तो जब आप सब्ट्रेक्शन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये माइनस साइन से ये साइंस यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है जैसे ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस तो ये हम लिखेंगे प्लस नाइनटीन एक्स यहाँ पे ये माइनस प्लस है तो ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस तो यहां पे आ जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्र मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये साइन चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है बस इतना सा डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन में बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको कंपल्सरी करना है जब आप ये कर लेंगे उसके बाद बाकी के स्टेप्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने एडिशन में किया था इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे लाइक like टर्म्स को साथ में लिखेंगे जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सो so हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है सो so ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद हम आते हैं ये एक्स वाले टर्म में तो यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस नाइन एक्स और ये हमें दिख रहा है प्लस नाइनटीन एक्स उसके बाद ये हमें दिख रहा है प्लस रूट थ्री और ये हमें दिख रहा है माइनस रूट थ्री हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या होता है वन होता है मतलब हम क्या कर रहे हैं वन एक्स स्क्वायर से सेवन एक्स स्क् को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा सेवन में से वन हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो so, नाइनटीन में से नाइन को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा टेन एक्स और साइन यहां पे हम लगाएंगे बिगर नंबर का यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे कैंसल हो जाएंगे मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है जीरो सो यहाँ पे हमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं है ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू में तो देखो यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं टू ए बी स्क्वेर प्लस थ्री ए स्क्वेर बी माइनस फोर ए बी यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे और ये वाले टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं थ्री ए बी माइनस एट ए बी स्क्वेर प्लस टू ए स्क्वेयर बी इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं टू ए बी स्क्वेर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी देखो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए बी ये माइनस और ये माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना उसके बाद आ जाएगा एट ए बी स्क्वायर अगेन यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी टू अब हम क्या करेंगे लाइक like टर्म्स को साथ में लिखेंगे देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है ए बी स्क्वायर यहाँ पे हमें दिख रहा है ए बी स्क्वेयर सो इसको इसको हम साथ में लिख लेते हैं ये हो जाएगा टू ए बी स्क्वेयर और इसके साथ हम लिखेंगे प्लस एट ए बी स्क्वायेयर नेक्स्ट हमें दिख रहा है ए स्क्वायर बी देखो ए स्क्वायर बी वाला कौन सा है ये वाला पार्ट है तो ये हम लिख लेते हैं प्लस थ्री ए स्क्वायर बी इसका पार्टनर हो जाएगा ए स्क्वायर बी वाला माइनस टू ए स्क्वेर बी ये भी हो गया अब आते हैं हम ये ए बी वाले पार्ट में तो एबी का पार्टनर इसके बगल में ही बैठा हुआ है ठीक है तो ये दोनों को भी हम लिख लेते हैं ये हो जाएगा माइनस फोर ए बी माइनस थ्री ए बी जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है जो भी लाइक like टर्म्स है लाइक like टर्म्स का मतलब है कि स्क्वायर भी सिमिलर होने चाहिए जैसे ये ए है तो ए ही होना चाहिए ए स्क्वेर को हम नहीं ले सकते तो हमने क्या किया सारे लाइक like टर्म्स को साथ में लिख लिया इक्वल्स टू देखो टू प्लस एट कितना हो जाएगा टेन तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन ए बी स्क्वेयर यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस सो थ्री में से टू को हम माइनस करेंगे तो हमें वन मिलेगा और हमें पता है कि वन लिखने की जरूरत नहीं है तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वेयर बी ये वाला पार्ट भी हो गया अब हम आते हैं यहाँ पे तो ये है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा सेवन तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेवन ए बी साइन हम यहाँ पे इनका जो कॉमन साइन रहेगा या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि बिगर नंबर का जो साइन होगा वो हम लगाएंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स तो हमें क्या करना है इन्हें मल्टीप्लाई करना है अब हम सॉल्व करें इसका क्वेश्चन नंबर वन देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है टू एक्स इसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये वाले टर्म्स को भी हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं वैसे तो जब ब्रैकेट होता है तो वो ऑलरेडी इसका मतलब ये होता है कि वो मल्टीप्लीकेशन है अगर आप यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं भी लगाओगे तब भी वो अंडरस्टूड है ठीक है तो यहां पे हमें क्या करना है ये 2x को सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है वो तो इस माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर ये 2x को ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है मतलब वन बाय वन करके ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो चलो ये लिख लेते हैं तो सबसे पहले ये टू को ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स इन टू एक्स स्क्वायेर उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन तो टू एक्स को टू एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x एक्स इंटू टू एक्स अगेन यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे देखो 2x एक्स वनजा मतलब किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का जो वनजा होता है वो सेम होता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x एक्स इक्वल्स टू देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है वन है तो टू वनजा कितना हो जाएगा टू अभी हम किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब x की पावर कितनी है वन है अगर आपको याद होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ए टू द पावर एम इन टू ए टू द पावर एन इसका मतलब अगर बेस सेम है और यहाँ पे पावर्स में अलग अलग पावर्स हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ए टू द पावर एम प्लस एन मतलब चाहे अलग अलग हो या फिर सेम हो बट यहाँ पे हम क्या करते हैं पावर्स को एडिशन करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस सेम है और ये टू प्लस वन यहाँ पे हम क्या करेंगे इनके पावर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x टू पावर थ्री यहाँ पे आएगा ये माइनस साइन टू टू कितना हो जाएगा फोर यहाँ पे है पावर वन वन ये भी क्या होगा इनका पावर्स का एडिशन होगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स रिस टू द पावर फाइव माइनस वन इसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वे प्लस टू के साथ में इक्वल्स e टू देखो यहाँ पे हमें एक्स टू द पावर फाइव जो है इसे इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस वन को भी इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं देखो एक्स टू द पावर फाइव है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा इसे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे टर्म्स के साथ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ में और उसके बाद ये जो माइनस वन है इसे भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ तो चलो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं एक्स टू दावर फोर एक्स टू द पावर थ्री ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ प्लस एक्स टू द पावर फाइव है इसे हमने मल्टीप्लाई किया टू एक्स स्क्वेयर के साथ में फिर ये प्लस साइन लगाया मल्टीप्लाई होगा इस टू के साथ में यहां पे है माइनस वन माइनस वन को एक्स टू द पावर थ्री के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है कि किसी का भी वनजा क्या होता है सेम होता है मतलब इसका वनजा सेम यही रहेगा तो डायरेक्टली हम इसे लिख लेते हैं माइनस एक्स टू द पावर थ्री यहाँ पे माइनस वन को टू एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा बट साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस वन है तो इसका वनजा क्या होगा टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे भी सेम है टू वनजा टू ही रहेगा बट ये माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज माइनस वन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में हमें पता है ना कि पावर एड हो जाती हैं तो ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स और इनकी पावर एड होके हो जाएगी एक्स टू द पावर एट प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहाँ पे वन है तो वन टू ज कितना हो जाएगा टू और एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर टू दोनों पावर्स यहाँ पे एड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स रेस्ट टू द पावर सेवन प्लस यहाँ पे ये यह सिंपली हो जाएगा टू एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव और यहाँ पे जो है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमने माइनस वन से यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लिया है अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लाइक like टर्म्स नहीं है देखो पावर एट वाला कोई भी नहीं है सेवन वाला भी कोई नहीं है फाइव थ्री टू वन वाला कोई भी ऐसा लाइक like टर्म्स नहीं है जिसे हम ऐड या सब कर पाए तो इसके आगे हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थ्री में तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं टू वाई प्लस वन जिसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई के साथ में ठीक है इक्वल्स टू टू वाई देखो सबसे पहले ये टू वाई को ये वाले पूरे पार्ट के साथ में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हम लिख लेते हैं वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस वन दिख रहा है ना इस प्लस वन को भी ये पूरे पार्ट के साथ में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वाई स्क्वेर माइनस टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई के साथ में इक्वल्स टू देखो ब्रैकेट है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा टू वाई को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में वाई के साथ में माइनस साइन यहाँ पे लगाएंगे देन टू वाई को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं टू वाई क्यूब के साथ में उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन देन टू वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वाई के साथ में प्लस देखो सबका ये जो वंजा रहेगा ना यहाँ पे हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वंजा तो सेम ही रहने वाला है तो सेम रहेगा यहाँ पे हो जाएगा माइ ये यह भी यहाँ पे सेम रहेगा और वन को हम थ्री वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही सेम नंबर रहने वाला है इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है तो टू वन सा कितना हो जाएगा टू वाई की पावर यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है सो तो ये यह यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा इसकी पावर को हम ऐड करेंगे थ्री माइनस टू टू जा कितना हो जाएगा फोर यहाँ पे वाई की पावर थ्री है यहाँ पे वाई की पावर वन है सो थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर मतलब वाई की पावर कितनी हो गई फोर देन उसके बाद प्लस टू थ्री यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स और ये वाई की वन और वन पावर यहाँ पे एड हो जाएगी तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर उसके बाद यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा अगेन ये सब जो है यहाँ पे ऑलरेडी ये वन से मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे इक्वल्स टू अब यहाँ पे लाइक like टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं देखो यहाँ पे वाई क्यूब दिख रहा है यहाँ पे हमें वाई क्यूब दिख रहा है तो ये हो जाएगा टू वाई क्यूब माइनस टू वाई क्यूब इसको हमने साथ में लिख लिया उसके बाद ये यहाँ पे क्या है माइनस फोर वाई की पावर फोर हमें दिख रही है तो देखो और कोई नहीं है वाई की पावर फोर वाला इसको एज इट इज लिख लो उसके बाद हमें y तो का स्क्वायर दिख रहा है सो y का स्क्वायर वाला भी पार्टनर कोई नहीं है तो उसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं अच्छा ये हमें दिख रहा है इसका पार्टनर उसके बाद देखो और किसका पार्टनर है यहाँ पे क्या बाकी है प्लस थ्री वाई थ्री वाय मतलब वाय सिंगल वाय वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे इक्वल्स टू देखो यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब ये प्लस साइन है और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो ये दोनों आपस में प्लस टू वाई क्यूब और माइनस टू वाई क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाला पार्ट कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा इसको हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है उसके बाद देखो y की पावर फोर वाला कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे माइनस फोर वाई क्यूब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वाई स्क्वायर को यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है तो सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा सेवन तो ये हो जाएगा सेवन वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फाइव में डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है इन पोलिनोम को डिवाइड करना है मतलब फर्स्ट को हमें सेकेंड से डिवाइड करना है और उसके बाद आंसर को ये फार्मूला के बेस्ड पे लिखना है हमें ये फॉर्मूला पता है कि डिविडेंट इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये फर्स्ट वाले को सेकेंड से हम डिवाइड करेंगे उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन और तो रिमाइंडर मिलेगा तो इस फॉर्मूला में उसे हम पुट करेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना तो इसे डिवाइड करने से पहले हमें इसे क्या करना है इंडेक्स फॉर्म में लिखना है देखो ये तो यहाँ पे डिवाइजर है सो तो ये हमने लिख लिया ये क्या है यहाँ पे इसका डिविडेंट है तो ये डिविडेंट को सबसे पहले हमें इसे इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है बिकॉज अगर हम इंडेक्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो इसका डिविजन पॉसिबल नहीं है तो देखो इंडेक्स के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं देखो एक्स टू द पावर थ्री है तो ये हम लिख लेते हैं एक्स टू द पावर थ्री है देखो यहाँ पे पावर थ्री है तो उसके बाद क्या आना चाहिए पावर टू आना चाहिए तो वो हम लिख लेते हैं प्लस जीरो एक्स टू द पावर टू देखो हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं जीरो लिख रहे हैं तो ये हो गई पावर टू जब कोई नंबर नहीं दिया है तो वहां पे हम जीरो लगा सकते हैं और ये हो जाएगा जीरो एक्स टू द पावर टू हो गया तो हमें अब एक्स टू द पावर वन लिखना होगा बट वन लिखने के लिए यहाँ पे हमें इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमने एक्स लिखा है मतलब वो अंडरस्टूड है कि वहां पे क्या है वन है उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है सिक्सटी तो तो ये हमने इसे लिख लिया इसके इंडेक्स फॉर्म में तो यहाँ पे अब इसको हम डिवाइड करते हैं इसके इंडेक्स फॉर्म के साथ में तो ये हम लिख लेते हैं x टू दावर थ्री प्लस जीरो एक्स स्क्वास जीरो एक्स सिक्सटी फोर देखो ये नॉर्मल डिवीजन से थोड़ा तो डिफरेंट है और ये हमने ऑलरेडी एट स्टैंडर्ड में किया है अगर आपको याद होगा तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है तो देखो जब इसको हम डिवाइड करते हैं ना तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे ये यह एक्सप्लेनेशन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है उससे आपके मिस्टेक होने की कम चांसेस है देखो हमें यहाँ पे क्या करना है x माइनस फोर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए x टू द पावर थ्री तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में हम क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे जैसे यहाँ पे x है तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए तो ये हमने लिख लिया x x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए x की पावर थ्री मिल जाए तो हमें पता है कि जो पावर्स होते हैं उनका एडिशन होता है तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब पावर इसकी क्या है वन है अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो ये स्क्वायर का टू और यहाँ का वन ये दोनों आपस में एड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर थ्री होगी इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा बट यहां पे हम देख सकते हैं कि हमें माइनस फोर भी दिया है तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि सिर्फ एक्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं हमें उसे माइनस फोर के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना वही सेम नंबर यहाँ पे हमें फिर से लिखना होगा सो माइनस फोर को एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर इसका मतलब एक्स माइनस फोर को जब हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा तो ये हम लिख लेते हैं कि हमने एक्स माइनस फोर को एक्स स्क्वेर के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला यहाँ पे एक्स टू दावर थ्री माइनस फोर एक्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखा है ये अगर इंडेक्स फॉर्म में है तभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अब आप खुद सोचो ना सिक्सटी फोर से माइनस फोर एक्स स्क्वायेर को आप कैसे माइनस करते दे यहाँ पे एक और रूल है आपको याद होगा कि यहाँ पे साइन चेंज होता है जैसे यहाँ पे प्लस में है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये माइनस साइन पे प्लस हो जाएगा तो जब हम यहाँ पे इसे सब करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ साइन है इसको कंसीडर करेंगे देखो ये कुछ नहीं इसका मतलब ये क्या है यहां पे प्लस है इसका मतलब देखो जब यहाँ पे लाइक टर्म्स है जैसे x टू द पावर थ्री x टू द पावर थ्री ये दोनों लाइक टर्म्स है एक यहां पे पॉजिटिव है एक यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा सो जीरो एक्स स्क्वायर में फोर एक्स स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस हमें कंसीडर नहीं करना है बिकॉज ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो गया है देखो नॉर्मल डिविजन में हम यहाँ पे नंबर को नीचे लेके आते थे कि नहीं तो ये जीरो एक्स को हम यहाँ पे नीचे ले आए अब सेकेंड हमारे पास यहाँ पे क्या है फोर एक्स है इसका मतलब x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए फोर एक्स देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब आपको पता है कि वन है इसका मतलब फोर तो हमें लिखना ही होगा कि इसका वन और इसका फोर वन फोर सा कितना हो जाएगा फोर बट यहाँ पे x की पावर वन है यहाँ पे x की पावर टू है तो यहाँ पे हमें एक और x लिखना होगा x x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बट x के साथ हमें हमेशा जो इसके साथ दिया हुआ है जैसे यहाँ पे माइनस फोर दिया है इसे भी हमें यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितना हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन यहाँ माइनस साइन है दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा है और ये हो जाएगा एक्स तो, तो अभी हमने ये दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया 4x से और यहाँ पे कुछ, कुछ साइन नहीं दिया है मतलब हम प्लस साइन ले सकते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन के प्लेस में हम क्या लिख लेंगे प्लस फोर और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें जो मिला है वो हम लिख लेते हैं फोर एक्स स्क्वेर माइनस सिक्सटीन एक्स अगेन यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं ये प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो जाएगा अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है और यहाँ पे ये यह दोनों लाइक टर्म्स हैं तो प्लस और माइनस वाले दोनों लाइक टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये यह प्लस 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 हो जाएगा तो जीरो में सिक्सटीन को जब हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा सिक्सटीन एक्स नाउ अभी यहाँ पे क्या बाकी है सिक्सटी फोर सो सिक्सटी फोर को हम नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस सिक्सटी फोर नाउ अब हम आते हैं इसके थर्ड स्टेप में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए यहाँ पे सिक्सटीन एक्स देखो एक्स का एक्स तो यहाँ पे है ही है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स लिखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिक्सटीन सो एक्स को सिक्सटीन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिक्सटीन एक्स मिल जाएगा बट जब हम यहाँ पे x से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे माइनस फोर से भी मल्टीप्लाई करना होगा सो so, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन फोर सा कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर बट यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा नाउ यहां पे हमने किस से मल्टीप्लाई किया था सिक्सटीन से तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस सिक्सटीन और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें क्या मिला सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटी फोर नाउ अब हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस सिक्सटीन एक्स है और यहाँ पे ये माइनस सिक्सटीन एक्स है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था गलती से मैंने प्लस लिख लिया है तो ये मैं चेंज कर लेती हूँ सो so, यहाँ पे ये देखो ये हो गया माइनस साइन एक्चुअली गलती से यहां पे मैंने प्लस लिख लिया था तो ये माइनस कर लो सो so, ये माइनस को हम नीचे लेके आए थे तो so, ये माइनस प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो so, ये वाले पूरे टर्म में हमें कितना मिल जाएगा जीरो अब रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मतलब यहाँ पे डिविजन कम्प्लीट हो गया है सो so, देखो क्वेश्चन हमें कितना मिल गया एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है इसका क्वेश्चन होता है रिमाइंडर हमें कितना मिल गया है जीरो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया नाउ डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और डिविडेंट हमें कितना दिया हुआ है मतलब जो एक्चुअल जो क्वेश्चन में है वो हमें लिखना है एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर डिवाइजर मतलब जिससे हमने डिवाइड किया था वो कितना था x माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन हमें कितना मिल गया एक्स स्क्स फोर एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया जीरो और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं डिवीजन के सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर फोर थ्री टू यहाँ पे वन वाला पार्ट मिसिंग है बिकॉज टू को हम कंसीडर कर सकते हैं एक्स की पावर जीरो सो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं इसके इंडेक्स फॉर्म में फाइव एक्स रेज टू द पावर फाइव प्लस फोर एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वेर प्लस यहाँ पे हम लिख लेंगे जीरो एक्स बिकॉज इसकी पावर क्या हो जाएगी वन प्लस टू सो इसके इंडेक्स फॉर्म को यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइड करने के लिए काफी बड़ा सा हमें पोलिनोमियल दिख रहा है बट बहुत इजी है बस आपको स्टेप्स को केयरफुली हैंडल करना है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है उसमें आपको ध्यान से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ध्यान रखना है बाकी ये जितना भी लंबा दिख रहा है बट आप अभी सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उतना हार्ड है नहीं ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे देखो एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए फाइव एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव तो वो हम लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर में हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिलना चाहिए फाइव एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव देखो यहाँ पे x की पावर टू है और यहाँ पे फाइव है इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा x की पावर थ्री सो टू प्लस थ्री पावर एड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा फाइव बट यहाँ पे फाइव भी दिया है दैट्स वाई हमें यहाँ पे फाइव भी लिखना होगा बिकॉज यहाँ पे वन और ये फाइव मल्टीप्लाई होंगे तो हमें फाइव मिलेगा यहाँ पे माइनस एक्स भी हमें दिया हुआ है तो हमें माइनस एक्स के साथ भी ये सेम टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल्स टू देखो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन तो आएगा ही आएगा ये हो जाएगा फाइव एक्स की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी फोर बिकॉज इसका वन और इसका थ्री ये दोनों पावर यहाँ पे एड हो गई इसका मतलब हमने यहाँ पे फाइव एक्स क्यूब के साथ में मल्टीप्लाई किया तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइव एक्स क्यूब और ये मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें जो मिला है वो हम लिख लेते हैं फाइव x रेस टू द पावर फाइव माइनस फाइव एक्स रेस टू द पावर फोर अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो जाएगा चलो सब्ट्रेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस तो हम एडिशन करेंगे तो फोर प्लस फाइव कितना हो जाएगा नाइन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नाइन एक्स की पावर हो जाएगी फोर और यहाँ पे नेक्स्ट वाले टर्म को हम नीचे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री तो यहाँ पे हमें क्या मिला नाइन एक्स की पावर फोर तो अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के सेकेंड टर्म में कि एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए नाइन एक्स की पावर फोर मिल जाए तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है फोर है तो एक एक्स स्क्वायेयर हमें लिखना होगा तो ये टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर नाइन लाने के लिए हमें यहाँ पे नाइन भी लिखना होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन मतलब इसके साथ में हमें माइनस एक्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नाइन एक्स स्क्वायेयर के साथ में तो ये कितना हो जाएगा माइनस में आएगा ये वाला टर्म नाइन तो एज इट इज इस रहेगा इसका वन और इसका टू ये दोनों स्क्वायर आपस में एड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x की पावर थ्री सो तो ये नाइन एक्स को यहां पे भी हम लिख लेते हैं सो तो यहां पे हमने ये नाइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था वो हमने लिख लिया अब यहां पे हमें क्या मिला था नाइन एक्स की पावर फोर माइनस नाइन एक्स तो यहां पे ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये माइनस साइन यहां पे प्लस साइन में चेंज हो जाएगा अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे ये यह यहाँ पे प्लस में है ये माइनस में है लाइक टर्म्स है तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे नाइन में से थ्री को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा सिक्स एक्स की पावर थ्री साइन यहाँ पे प्लस रहेगा बिकॉज नाइन यहाँ पे बिगर नंबर है ये वाले पार्ट को हम नीचे ले आए थे नेक्स्ट हमारे पास क्या बाकी है प्लस टू एक्स स्क्वायर तो अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के थर्ड टर्म में सो एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए सिक्स एक्स की पावर थ्री सो देखो यहाँ पे एक्स की पावर थ्री है सो so हमें यहाँ पे एक एक्स तो लिखना होगा सो so ये टू प्लस वन एक्स की पावर थ्री हो जाएगा और यहाँ पे हमें सिक्स पे लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे हमें माइनस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा सिक्स एक्स को तो ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सो यहाँ पे ये सिक्स एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया है सो so, यहाँ पे भी हम सिक्स एक्स लिख लेते हैं सो so, ये यह हमने यहाँ पे लिख लिया नाउ यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर साइन चेंज कर लेते हैं ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिक्स एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में है सो ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसल हो जाएगा ये प्लस 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 एडिशन होगा सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर अब हमारे पास क्या बाकी है प्लस जीरो एक्स अब हम आते हैं इसके फोर्थ एक्सप्लेनेशन में सो so, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए एट एक्स स्क्वायर देखो एट एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए ना सो so, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों साइड में सो so, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एट सो so, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा एट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो माइनस एक्स के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा एट को So, हमें ये कितना मिल जाएगा माइनस एट एक्स सो हमने यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हम एट लिख लेते हैं ये हमने यहाँ पे एट लिख लिया और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद वाला पार्ट लिख लेते हैं एट एक्स स्क्वेर माइनस एट एक्स साइन चेंज कर लेते हैं प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर और एट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये प्लस 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 हो जाएगा सो तो जीरो में एट को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा एट एक्स अभी देखो यहाँ पे ये प्लस टू बाकी था तो इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिवाइजर के प्लेस में है एक्स स्क्वायर और रिमाइंडर में हमारे पास बचा है एट एक्स यहाँ पे इसे हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो x जो वेरिएबल है वो यहाँ पे स्मॉलर है और डिवाइजर यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे हम कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई कर ले बट हम ये एक्स स्क्वायर को x में चेंज तो नहीं कर सकते हैं तो हमारा डिवीजन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है सो so, हमें यहाँ पे क्वेश्चन कितना मिल गया है वो हम लिख लेते हैं फाइव एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट और रिमाइंडर हमें कितना मिला है एट एक्स प्लस टू सो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिविडेंड देखो हमें जो एग्जेक्टली exactly क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लिख लेते हैं फाइव एक्स रेस टू द पावर फाइव प्लस फोर एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेर प्लस टू इक्वल्स टू डिवाइजर हमें कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है फाइव एक्स रेस टू द पावर थ्री प्लस नाइन एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ये हो गया डिविडेंट और ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया इसका क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हमें कितना मिला है एट एक्स प्लस टू और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई तो देखो यहां पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हमें सॉल्व करना है तो हमें आंसर किसमें मिलेगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलेगा बिकॉज इन्फॉर्मेशन भी हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दी हुई है और हमें उसे सिंप्लीफाई करना है तो चलो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है देर इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल के शेप का हमें एक फार्म दिया है फार्म का मतलब आप समझ सकते हैं जहां पे हम खेत या बाग बगीचे लगाते हैं विथ लेंथ टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी मतलब ये वाला जो लेंथ है ना इस फार्म का देखो रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रेथ ही तो होता है तो लेंथ हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है टू ए स्क्वेर प्लस थ्री बी सो ये हो गया इसका लेंथ ये हमें दिया हुआ है ये हमें किस में दिया हुआ है मीटर में ओके okay. उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेथ भी गिवेन है अरे वाह लेंथ और ब्रेथ दोनों ही है ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है ए स्क्वे प्लस बी ये भी हमें यहां पे मीटर में दिया हुआ है द फार्मर यूज अ स्क्र शेप प्लॉट फॉर द फार्म टू बिल्ड अ हाउस सो फार्मर ने क्या किया यहाँ पे एक स्क्वेर शेप का प्लॉट लिया और वहां पे क्या किया बिल्ड अ हाउस मतलब अपने लिए घर बनाया ऑब्वियसली घर तो बनाई गई ना मतलब खेत की देखभाल और इनकी केयर करने के लिए उसने क्या किया प्लॉट में अपना घर बना लिया बट इसके घर का जो प्लॉट है वो स्क्वायर के शेप में है स्क्वायर के शेप में क्या होता है कि जितने भी उसके साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब देखो ये हो गया वन साइड टू थ्री फोर मतलब जितने भी साइड है वो इक्वल रहेंगे बिकॉज ये यह यहाँ पे क्या है स्क्वेयर शेप है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग होता है बट स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वॉट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म मतलब ये जो बचा हुआ एरिया है ना मतलब ये वाले प्लॉट को अगर हम हटा दें तो ये जो बाकी का बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है फार्म का वो हमें बताना है सो so, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये क्या है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो सबसे पहले हम इसका पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखो लेटू ब्रेथ यही होता है ना रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालते हैं उसके बाद ये स्क्वायर प्लॉट का एरिया हम निकालेंगे तो देखो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं साइड इन साइड सो ये साइड जो गिवन है उसके हेल्प से इसका एरिया भी निकल जाएगा उसके बाद ये बड़े वाले एरिया में से ये वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करना तो देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्र मीटर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीटर और देखो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि लेंथ ब्रेथ होता है तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया लेंथ प्लेस में हमने लिख लिया टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्र मल्टीप्लाय बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो इसी प्रैक्टिस सेट में हमने सीखा था कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है देखो तो यहाँ पे टू ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में उसके बाद यहां पे हमें दिया हुआ है प्लस थ्री बी स्क्वेर इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वायर के साथ मतलब इसको ये पूरे टर्म के साथ इसको ये पूरे टर्म के साथ चलो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाय बाय ए स्क्वेर प्लस साइन आ जाएगा अगेन टू ए स्क्वायर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में बी स्क्वायर के साथ में प्लस साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा उसके बाद है थ्री बी स्क्वायर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ में प्लस थ्री बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू देखो ये टू है यहाँ पे ए का स्क्वायर है और ए का स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर यहाँ पे एड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टू ए रेज टू द पावर फोर प्लस इसे हम लिख सकते हैं टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहां पे इसे हम लिख सकते हैं थ्री बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसे आप चाहें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों स्क्वायर यहाँ पे एड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री बी रेस टू द पावर फोर इक्वल्स टू देखो यहाँ पे टू ए रेस्ट टू द पावर फोर एज इट इज रहेगा बिकॉज यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है जो इसके साथ एड हो सके प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर भले ही वो आगे पीछे लिखे हैं बट यहाँ पे टर्म सेम है तो यहाँ पे ये यह दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ये दोनों को हमने ऐड कर लिया प्लस थ्री बी रेस्ट टू द पावर फोर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म तो अभी हमने क्या किया रेक्टेंगुलर फार्म का एरिया निकाल लिया अब हम क्या करेंगे जो स्क्वायर प्लॉट था ना उसका भी एरिया निकाल लेते हैं स्क्वेयर शेप प्लॉट टू बिल्ड हाउस सो हाउस को बिल्ड करने के लिए उसने स्क्वायर शेप का प्लॉट यूज किया है साइड ऑफ स्क्वेयर ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख, लिख लिया एरिया ऑफ द प्लॉट साइड इन टू साइड नाउ देखो यहाँ पे साइड हमें कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो वो हम यहाँ पे लिख, लिख लेते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज साइड इंटू साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे भी सेम हम करने वाले हैं हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में उसके बाद यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ इक्वल्स टू सो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये हो गया उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस मतलब माइनस का साइन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये माइनस माइनस साइन यहां पे प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू देखो ये ए हो गया और इसकी पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी तो ये टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ नहीं किया है बस ए स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया है प्लस यहाँ पे बी देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा बी रेज टू द पावर फोर ए रेस्ट टू द पावर फोर यहाँ पे देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वन और ये वन ये दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन यहाँ पे कॉमन साइन रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट टू द पावर फोर तो ये हो गया स्क्वायर शेप प्लॉट का एरिया बट हमें क्या करना है रिमेनिंग पार्ट निकालना है हम क्या करेंगे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है ना इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्वायर शेप प्लॉट के एरिया को एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म हमने कितना निकाला है टू ए रेस्ट टू द पावर फोर प्लस फाइव ए स्क्वेयर बी स्क्वेर प्लस थ्री बी रेस्ट टू द पावर फोर So, ये हो गया रेक्टेंगुलर फार्म का एरिया और इसे हमें माइनस करना होगा स्क्वेयर शेप प्लॉट के साथ में तो इसका एरिया कितना है ए रेस टू द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वेयर बी स्क्वे प्लस बी रेस्ट टू द पावर फोर इक्वल्स टू सो ये वाले पार्ट्स तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं टू ए रेस्ट टू द पावर फोर प्लस फाइव ए स्क्वेयर बी स्क्वेर प्लस थ्री बी रेस्ट टू द पावर फोर ये यह माइनस यहाँ पे ये यह प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए रेस्ट टू द पावर फोर माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी रेस्ट टू द पावर फोर इक्वल्स टू अब हम लाइक like टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं ए की पावर फोर है यहाँ पे हम देख सकते हैं ए की पावर फोर सो ये हो जाएगा टू ए रेस्ट टू द पावर फोर माइनस ए रेस टू द पावर फोर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है ये वाला है सो so ये भी हम लिख लेते हैं टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके बाद यहाँ पे क्या बाकी है प्लस थ्री बी रेस्ट टू द पावर फोर तो बी रेस टू द पावर फोर वाला ये यहाँ पे है माइनस बी रेस्ट टू द पावर फोर इक्वल्स टू देखो यहाँ पे सब्ट्रेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे वन है तो टू में से वन को हम माइनस करेंगे तो हमें वन मिलेगा बट वो वन लिखने की हमें जरूरत नहीं है ए रेस टू द पावर फोर प्लस देखो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है एडिशन हो रही है तो फाइव प्लस टू हो जाएगा सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वेर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो थ्री में से ये वन को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा टू यहाँ पे साइन हम बिगर नंबर का लगाएंगे टू बी रेस्ट टू द पावर फोर और ये हो जाएगा इसका आंसर सो so ये क्या है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट और ये हो जाएगा इसका आंसर देअर फॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फार्म इज ए रेस्ट टू द पावर फोर प्लस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू बी रेस्ट टू द पावर फोर सो so, बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया है और सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो so, बच्चों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय